बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसमा किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और प्याज से लच्छेदार क्रिस्पी पकौड़े। तो आगे देखते हैं आलू और प्याज से लच्छेदार क्रिस्पी पकौड़े कैसे बनाए जाते हैं और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। आलू प्याज तो मैंने इस तरह से जूलियन कट काट लिया है। प्याज तो भी एक बुंच मैंने धनिया लिया है, 3 से 4 सब्ज मिर्चें ली हैं, सब तो मैंने इकट्ठा ही काट लिया है। आधा कप मैंने बेसन लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है और 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च ली है, 2 से 3 पिंच हल्दी ली है, 2 से 3 पिंच जीरा लिया है और 2 से 3 पिंच सूखा धनिया लिया है। ये सारे मसाले जो हैं वो आप अपने मिकदार के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बनाना शुरू करते हैं। बेसन शामिल करेंगे, साथ ही ये सारे मसाले डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पकौड़ों का बैटर हमारा रेडी है, अब हम पकौड़े फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं ये आपको लच्छे लच्छे से नज़र आ रहे होंगे आलू और प्याज के। अब इन्हें हल्के आंच पर इसी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से सारे फ्राई कर लेंगे, फिर आपको मैं इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए कितने प्यारे और मज़ेदार हमारे आलू और प्याज के लच्छे पकौड़ा तैयार हुए हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। दोबारा फिर हाज़िर होंगी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।